क्या होगा कालिया गाइस वेलकम टू बॉली न्यूज बॉलीवुड की एक और मजेदार चमचमाती अपडेट के साथ हाजिर है आपका ब्रो। अभी हम बात कर रहे हैं न्यूली मैरिड परमब्रता चटर्जी के बारे में, जिसके बारे में मतलब मैं पहले आपको थीम बता दूं दैट यस देयर इज अ ट्रेंड के बॉलीवुड की जो मूवीज हैं उनको तमिल में या तेलुगु के अंदर जब रीमेक किया जाता है तो ऑब्वियसली देयर हैविंग अ वेरी मच इफेक्ट और ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा उनको लाइक करती है बिकॉज टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन इंडिया, हिंदी बोलने वालों के अलावा बहुत ही बड़ी तादाद में तमिल और तेलुगु लोग भी मौजूद हैं जिनकी अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री टॉलीवुड के नाम से बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। और इवन अब जो है वो बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स जो हैं वो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है और कईयों ने एक्टिंग की है टॉलीवुड की मूवीज़ में बिकॉज ऑफ यू कैन से मतलब इसमें हम बात कर लेते हैं जैसे बाहुबली 2 वाज वन ऑफ लाइक द मेगा हिट्स ऑफ टॉलीवुड। इसी तरह से टॉलीवुड की आने वाली मजीद कामयाब फिल्में हैं जो कि अट्रैक्ट कर रही हैं अब बॉलीवुड एक्टर्स को भी। लेकिन यहाँ पे परमब्रता चटर्जी ने कहा कि अगर पठान और जवान को अगर जो है वो इसमें लैंग्वेज कन्वर्ट करके जो है वो तमिल या तेलुगु में बनाया जाए तो ये काम नहीं करेंगी। अब ये कहना उनका किस बेस पर था, क्या वो फिल्म के जो स्क्रिप्ट है वो उसकी इफेक्टिविटी को देख रहे हैं कि क्या लैंग्वेज कन्वर्ट करने से उसकी इफेक्टिविटी डिस्टर्ब होगी या ऑडियंस का जो है वो इतना ज़्यादा जो आप कह लें कि एक ऑडियंस का अट्रैक्शन होता है या ऑडियंस का जो इंटरेस्ट होता है वो मूवी जो है वो उस स्क्रिप्ट लैंग्वेज चेंज होने की वजह से मूवी जो है वो ऑडियंस का उस लेवल का अट्रैक्शन और उस लेवल का अटेंशन गेन नहीं कर पाएगी। तो ऑब्वियसली व्हाट मस्ट बी द रीज़न बिहाइंड दैट इतनी बड़ी दो बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली मूवीज़ अगर कन्वर्ट की जाए तो वो जो है वो उसमें इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो व्हाट मस्ट बी द रीज़न फॉर दैट, देखते हैं मज़ीद आने वाली अपडेट्स में कि इसकी कहानी कैसे खुल के सामने आती है। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा बॉली न्यूज़। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। तेरा क्या होगा कालिया।